जय श्री कृष्ण, मैं उम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक वीडियो दिखाई भी थी और उसके बारे में बताया भी था। मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश की एक घटना के बारे में बताया था जहां पर राजपूत करनी सेना के कुछ लोग छत्रसाल में और छत्रपुर नाम के इलाके में, जो कि मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ पर यादव समाज का नाम लेकर उन्हें माँ की गाली देने का काम कर रहे थे। वो वीडियो देखने के बाद मेरा खून खौल उठा था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाकर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी और अपील की थी कि आप लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर पूरे दिन फैलाने का काम कीजिए, इसको वायरल करने का काम कीजिए और पूरे के पूरे यादव समाज तक इसे पहुंचाने का काम कीजिए। और मैंने ये भी कहा था कि अपने अपने क्षेत्र में अगर हो सके तो एक एक FIR कराने का भी काम कीजिए। और मुझे ये बताते बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि कल की वीडियो के बाद मुझे कई यादव समाज के लोगों ने फ़ोन किए, मैसेज किए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अपने अपने एरिया में इनके खिलाफ FIR ज़रूर करवाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा कल मध्य प्रदेश के यादवों ने यादव एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए राज्य के अंदर रैलियां निकाली, धरने दिए, प्रदर्शन दिए, पुलिस स्टेशन का घेराव किया और पुलिस को इन सब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहां के यादव महासभा ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की, संज्ञान दिया और इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का काम किया, कठोर से कठोर कार्रवाई करने को कहा। तो जिस प्रकार से यादव समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई है, ये वाकई ही काबिले तारीफ है। और मैं आशान्वित हूँ कि यादव समाज के लोग इसी तरह की यादव एकजुटता हर मुद्दे पर ज़रूर दिखाने का काम करेंगे। जब इस देश के अंदर किसी यादव की हत्या हो जाए, हमारे यादव समाज को इसी प्रकार से यादव एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि राजपूत करनी सेना ने एक लेटर जारी किया है और उस लेटर में उन्होंने ये बताया है कि जितने भी लोगों ने, जो भी राजपूत समाज के लोगों ने गालियां देने का काम किया है, वो करनी सेना से नहीं है, उनका करनी सेना से कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि वो लोग करनी सेना का नाम ले रहे थे, करनी सेना की जय जयकार लगा रहे थे। तो ये तो जांच का विषय है कि वो लोग करनी सेना के थे या नहीं थे, लेकिन चूंकि वो अपने मुँह से कह रहे थे कि वो करनी सेना से हैं तो ये माना जाएगा कि वो करनी सेना से हैं। लेकिन करनी सेना ने लेटर पैड जारी करके ये बयान दिया है कि वो लोग करनी सेना के नहीं हैं, पुलिस उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और यादव समाज उनके विरुद्ध में जो करना चाहता है वो कर सकता है। राजपूत करनी सेना को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, यानी उन लोगों ने, जिन लोगों ने गालियाँ दी हैं, उनसे हाथ राजपूत करनी सेना ने खींच लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि करनी सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उनका समर्थन नहीं किया है। ऐसे असामाजिक तत्वों का समर्थन किसी भी संगठन को, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और पुलिस ने भी, पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और इनके ऊपर कठोर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए हैं। यहाँ तक कि SIT की एक बाकायदा टीम गठित की जाएगी, इनकी पूरी की पूरी जांच की जाएगी। आप भी सुनिए कि पुलिस ने क्या कहा। एक अपराध पंजीकृत किया गया है जहाँ पे इस तरीके की जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसमें हमने विधि अनुसार कार्रवाई की है। जो भी लोग इसमें चिन्हित करते हैं इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें लगभग 5 चीफ टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं और एक SIT भी गठित की है SGP बड़ा मेलरा के नेतृत्व में जो इसकी तस्दीक करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे यादव समाज ने इसको गंभीरता से लेने का काम किया है और एक शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया है, यादव एकजुटता दिखाने का काम किया है। ये देख के मुझे निजी तौर पर बेहद ज़्यादा खुशी हुई है और मैं यही उम्मीद करूँगा यादव समाज की तरफ से कि आने वाले भविष्य में इस तरह की कभी भी घटना हो तो इसी प्रकार से हम लोग एकजुटता का प्रदर्शन करें, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी आबादी है हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और इन जैसों फर्जी सेनाओं की तो कोई औकात नहीं है हम लोगों के सामने। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग
ये बोलते हैं कि हम भाई कोई संगठन बनाओ, कोई संगठन होना चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम कोई संगठन का निर्माण ज़रूर करें। जैसा भी होगा आप सभी लोगों को सूचित किया जाएगा, लेकिन यदि हमारा अगर कोई संगठन बनेगा तो वो संगठन ऐसा होगा कि अगर यादव समाज के ऊपर किसी ने भी आँख उठाने की भी ज़रूरत की तो उसके साथ हम ऐसा सलूक करेंगे कि उसके साथ पुश्तें भी याद रखेंगी। इस प्रकार का संगठन मेरा सपना है बनाने का, और इस प्रकार का संगठन यादव समाज का हो मैं चाहता हूँ, और इसमें आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। हमें ऐसे लोगों की संगठन में आवश्यकता होगी जो लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हों। किसी भी हद तक मतलब किसी भी हद तक, वीडियो में वो मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप बस समझ जाइए। तो बहुत अच्छा हुआ जो भी यादव समाज ने एकजुटता दिखाई है, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, और हमारे समाज के लिए बहुत ये अच्छी बात है। यही बात मैं आप सब लोगों से करना चाहता था, बताना चाहता था। बाकी मैं आप लोगों से शनिवार को मिलूँगा आप, और संडे को भी। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय यादव, जय माधव।